क्या बागेश्वर उपचुनाव के नतीजों की वजह से टले निकाय चुनाव? कुछ दिन पहले तक उत्तराखंड सरकार यह दावा कर रही थी कि राज्य में निकाय चुनाव हर हाल में तय समय पर ही होंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव नए साल में होंगे। दरअसल राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्वाचन नामावलियों के विस्तृत पुनर्निरीक्षण के लिए 3 महीने की समय सारणी जारी की है, जो कि संभवतः अगले साल फरवरी तक की जाएगी। इसका मतलब यही है कि 4 दिसंबर को समाप्त हो रहे निकायों के कार्यकाल से पहले चुनाव संभव नहीं है, यानी अब निकायों को फिलहाल प्रशासकों के हवाले किया जाएगा। इस फैसले के बाद चुनाव की तैयारियों में जुटे उम्मीदवारों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। दरअसल निकाय चुनाव पर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर बीते दिनों माननीय हाईकोर्ट ने भी तल्खी दिखाई थी, और अब निकाय चुनाव के टलने के साथ ही कांग्रेस को भी एक मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहना शुरू कर दिया है कि बागेश्वर सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की वजह से निकाय चुनाव टाले जा रहे हैं। करण महारा का कहना है कि बागेश्वर उपचुनाव में सहानुभूति लहर के बावजूद सत्ता पक्ष ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, जिसके बाद भी भाजपा को मात्र 2000 वोटों से जीत मिली थी, जबकि पहले यही सीट भाजपा 12000 वोटों से जीती थी। इस चुनाव के परिणाम के बाद ही उत्तराखंड सरकार घबराई हुई है, इसलिए निकाय चुनाव तय समय पर नहीं कराए जा रहे हैं। वैसे इसके जवाब में भाजपा के नेता यह तो कहते हैं कि उनकी पार्टी और कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन इस पर चुप्पी साध जाते हैं कि निकाय चुनाव समय पर कराने के उनके दावों का क्या हुआ।